ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 807वें उर्स के मौके पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जानिब से चादर भेजी गई, जिसे भाजपा नेता असलम खान लेकर दरगाह पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर राजनेताओं की चादर पेश होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरगाह कमेटी सदर अमीन खान पठान और पार्टी के मेंबर मुन्नवर खान की मौजूदगी में दरगाह के खादिम सैयद अफसान चिश्ती के जरिए चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए। नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के असलम खान चादर लेकर अजमेर शरीफ पहुंचे थे। असलम खान ने गडकरी के चादर पेश करने से पहले संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें देश में अमन शांति व खुशहाली की दुआ मांगी गई। असलम खान, भारतीय जनता पार्टी नागपुर से सचिव, केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी, इनकी चादर लेकर अजमेर शरीफ के वो मुबारक उर्स के मौके पर आया हूँ और उन्होंने संदेश भेजा है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, तो मैं संदेश को आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 807वें वार्षिक उर्स के मुबारक मौके पर विश्वभर से आए हुए उनके अनुसाई को बधाई हो, शुभकामनाएं। भारत की पहचान कहे जाने वाली गंगा जमुना की तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव को हमेशा से ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाओं ने मजबूती दी है। वे भारत के महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक एवं उनके द्वारा दी गई मानवता की सेवा हमें उदाहरण के स्वरूप याद रखनी चाहिए। इसलिए अजमेर दरगाह पर हर धर्म के लोग शीश झुकाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस उर्स के पवन अवसर पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन की दुआ करता हूँ। साथ ही मैं कामना करता हूँ कि ऐसे महान सूफी संत की वार्षिक उर्स के अवसर पर मेरी श्रद्धा की चादर मेरी दुआगो सैयद अफसान चिश्ती साहब के वकालत में पेश हो। असलम खान, भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर सचिव। जुम्मे पर नितिन गडकरी की ओर से उनके दुआगो अफसान चिश्ती की सदारत में चादर पेश कर दुआ मांगी गई है, जिसमें नितिन गडकरी की सलामती व सेहत याबी की दुआ बारगाह गरीब नवाज के दरबार में मांगी गई। किशोर सिंह सोलंकी, टीवी भारत, अजमेर।